फ्रेंड्स, आज मैं लखनऊ में राजकीय उद्यान आई हुई हूँ। और अगर आप भी लखनऊ में रहते हैं तो ज़रूर यहाँ पर एक बार ज़रूर विजिट करिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा है। और देखिए, अगर आप एक प्लांट लवर हैं तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे प्लांट्स भी मिल जाएंगे। और घूमने के हिसाब से भी हम एक दिन संडे वनडे में इंजॉय करने का सोचते हैं, तो एक बार यहाँ पर आकर देखिए। और आपको यहाँ पर प्लांट्स अगर परचेज़ करने हैं तो वो भी मिल जाएंगे। और प्लांट्स के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा ग्रीनरी पसंद करते हैं, आजकल जो शोर की लाइफ रहती है हमारी, काफ़ी शोर शराबा ज़िंदगी में रहता है, तो उससे थोड़ा हट कर यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, काफ़ी डेकोरेट भी किया हुआ है पॉट्स वगैरह से, तो यहाँ आपको पार्किंग एरिया भी मिल जाएगा और आप अपनी गाड़ियाँ अच्छे से खड़ी कर सकते हैं कहीं भी जहाँ पर बताया गया है। और इसके बाद आप अगर पैदल नहीं चल सकते हैं, जैसे ये बहुत बड़ा है उद्यान और गवर्नमेंट है ये उद्यान, तो यहाँ पर काफ़ी स्पेस है, तो अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते तो ये बहुत अच्छी बात थी यहाँ पर फ्रेंड्स, कि आप गाड़ी से भी अपने बाइक या स्कूटी से आराम से देखते हुए यहाँ की ग्रीनरी आप जा सकते हो। तो हम लोग भी जब थक गए थे तो हमने गाड़ी का ही यूज़ किया है और अपनी स्कूटी से ही हमने ये विज़िट किया। और यहाँ आपको प्लांट्स दिखा रहे हो तो थोड़ा जल्दी जल्दी मैं फ्रेंड्स दिखा पा रही हूँ। और देखिए, चारों तरफ यहाँ दोनों तरफ जो साइड साइड में लगाया हुआ हेज बनाई है, तो वो स्पाइडर लिली की हेज बना कर रखी है, तो सारे साल यहाँ ब्लूम होता है। यहाँ देखिए शिव जी की एक मूर्ति और बहुत सुंदर सी। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये ग्राउंड है, ग्राउंड में हर तरफ ही ग्रीनरी है, काफ़ी प्लांट्स यहाँ पर आपको दिखेगा, सारा एरिया कवर कर रखा है, सिर्फ प्लांट्स ही प्लांट्स हैं, पॉट्स से भी लगा कर रखा है। ये देखिए स्पाइडर लिली, इसमें देखिए फ्लावरिंग हो रही है, हमारे घर पर अभी नहीं हो रही है लेकिन यहाँ पर आपको दिख जाएगी, क्योंकि ग्राउंड की तो बात ही अलग होती है। देखिए लालसा कितना प्यारा लग रहा है, और कॉस्कॉम कॉस्कॉम भी देखिए रेड रेड हर जगह दिख रहा है। यहाँ पर स्पाइडर लिली, फिर से हर जगह आपको स्पाइडर लिली बहुत सारा दिखेगा, और अशोक ट्री लगे हुए हैं, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ प्लांट्स परचेज़ करना चाहें तो आप यहाँ पर जा सकते हैं और प्लांट परचेज़ कर सकते हैं, बस डिपेंड करता है कि कैसा वेदर में आप आते हो, किस वेदर में, तो उसी हिसाब से आपको प्लांट्स मिलेंगे और बाहर से काफ़ी रिजनेबल प्राइस में आपको मिलेंगे, बल्कि सस्ते मिलेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद ये काफ़ी बड़ा है एरिया है फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ का ग्रीन हाउस है, यहाँ पर प्लांट्स तैयार किए जाते हैं हमारे लिए और ये बाहर नर्सरीज में भी जाते हैं। ये देखिए बहुत बड़ा है, अभी ये ओपन नहीं था तो मैं आपको अंदर से नहीं दिखा पाऊँगी, और बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स ज़रूर आइए, गुलदाउदी देखिए कितना सारा, तो ज़रूर आइए एक बार, तो ज़रूर विज़िट करना चाहिए अगर आप लखनऊ में रहते हो। और मैंने जल्दी जल्दी में थोड़ा दिखाया, अगर आप कहोगे तो मैं फिर से जाऊँगी तो मैं अच्छे से बना दूँगी आपको दिखाते हुए, तो ज़रूर आइएगा फ्रेंड्स। और लव लाइक गार्डन को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, ऐसे सुंदर वीडियो मैं लाती रहूँगी। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।